नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोविड 19 की वजह से इस साल का कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया। सावन के पवित्र महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से हर साल करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित करने की वजह से हरिद्वार जिले की सीमाएं सील कर दी गई। इसे देखते हुए बॉर्डर पर 10 चेक पोस्ट बनाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रदेश के लोगों को उनकी आईडी देखकर जिले की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष जो है कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समन्वय बैठक हुई है, तो इस बार निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर ही सारे कांवड़ियों को किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, सभी को रोक दिया जाएगा। इसके दृष्टिगत अभी यहाँ पर पीएसी फोर्स और हमारी सिविल पुलिस की फोर्स लगी हुई है। जो स्नान करने या कांवड़ उठाने, जल उठाने आ रहे हैं, हम उनको यहाँ से वापस कर रहे हैं निवेदन पूर्वक। तो सर, जैसे जो कौन से लोग यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे? वो लोग प्रवेश कर पाएंगे जो इमरजेंसी हैं या उत्तराखंड के प्रवासी हैं, या उनकी कोई इम्पोर्टेंट काम है, उनका इमरजेंसी है, या कोई अपने अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं, वो लोग जाएंगे। पर जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो कोई उनकी किसी की भी एंट्री नहीं होगी। बॉर्डर सील होने की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही। पुलिस भले ही कह रही हो कि सिर्फ कांवड़ यात्रियों को ही प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही। रोहतक से आए हैं, हरिद्वार जा रहे हैं और ये बता रहे कि पास कैंसिल है, पास चलेगा नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था आगे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं किसी के भी। हाँ, पास है, बनाया हुआ है, वैलिड है, अभी करवाया। गौरतलब है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे जनपद को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 3.30 करोड़ कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया।